नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। अपने प्लस टू की फिजिक्स पढ़ रहे थे और इसके अंदर अपने जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो अपना जो टॉपिक है आज का वो क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। और इसके अंदर हम लोग जो पढ़ रहे थे वो अपने पढ़ रहे थे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणों के बारे में। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, विद्युत क्षेत्र रेखाओं का मतलब था कि यदि अपने विद्युत क्षेत्र के अंदर क्या कर दें, एकांक धनावेश को रख दें, यदि विद्युत क्षेत्र में अपने क्या कर दें, स्वतंत्र एकांक धनावेश को रख दें, स्वतंत्र एकांक धनावेश को रख दें, तो ये जो अपने पास में स्वतंत्र एकांक धनावेश है ये क्या करेगा, ये जिस काल्पनिक पथ के अनुदिश गति करेगा उस काल्पनिक पथ को अपने क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहेंगे। यानी अपने को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र के अंदर एक स्वतंत्र एकांक धनावेश को रखना है और ये जिस पथ के अनुदिश गति करेगा उस काल्पनिक पथ को अपने क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। इसके बाद में अपने बात कर रहे थे विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणों के बारे में, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, तो अपने गुणों के बारे में बात कर रहे थे और एक दो गुण मैंने आपको बता भी दिए थे। एक तो आपको बताया था कि अगर आप लोग क्या करो, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचो तो ये स्पर्श रेखा क्या करेगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगी। दूसरा मैंने आपको बताया था कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी नहीं काटती, क्यों नहीं काटती, क्योंकि अगर ये काटेगी तो कटान बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र की दिशाएं होगी जो कि असंभव है। ये अपने लास्ट वीडियो के अंदर दोनों बातें कर ली थी। अब तीसरी बात भी बंद वक्र वाली कर ली थी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो बंद वक्र नहीं बनाती है, तो अपने कुछ और बात कर लेते हैं। एक अपनी बात कर लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएँ जो होती है वो धनावेश से हमेशा क्या होती है, बाहर निकलती है। जो ये धनावेश है इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएँ हमेशा क्या होती है, बाहर निकलती है। इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, हमेशा धनावेश से बाहर निकलती है। ये धनावेश है इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं हमेशा क्या होती है, बाहर निकलती है। धनावेश से हमेशा बाहर निकलती है। और ऋणावेश की अगर बात करें तो ऋणावेश से हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश करती है। चौथा अगर पॉइंट देखें तो हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो ऋणावेश के अंदर प्रवेश करती है। तो ये ऋणावेश है इसके अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करेगी, तो धनावेश से हमेशा बाहर निकलती है और ऋणावेश के हमेशा अंदर प्रवेश करती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं अगर अपने क्या करें, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचें तो विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। यदि अपने विद्युत क्षेत्र रेखाओं की बात करें तो दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी नहीं काटती, क्यों नहीं काटती, क्योंकि कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होगी जो कि असंभव है। और अगर अपनी बात करें तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से हमेशा बाहर निकलती है और ऋणावेश में हमेशा क्या करती है, अंदर प्रवेश करती है। ध्यान आपको ये रखना है कि जब आपको बोला जाए कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण लिखिए तो ये जो है एक ही गुण के अंदर आप लोग लिख सकते हो कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से हमेशा बाहर निकलती है तथा ऋणावेश के अंदर हमेशा प्रवेश करती है। अगला अगर अपनी बात करें तो कल जो बताया था उसी की बात कर लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से चल करके ऋणावेश पर समाप्त होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकल करके ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो ऋणावेश पर जाकर के क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ये तो ऋणावेश पर जाकर के ये क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। धनावेश से हमेशा बाहर निकलती है और ऋणावेश पर जाकर के ये क्या हो जाती है,
समाप्त हो जाती है। तो ये देखो धनावेश से सभी निकल रही है और ऋणावेश के ये अंदर प्रवेश कर रही है, तो विद्युत क्षेत्र रेखा यहाँ से चल करके यहाँ क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएँ क्या नहीं करती, विद्युत क्षेत्र रेखाएँ बंद वक्र नहीं बनाती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएँ बंद वक्र नहीं बनाती है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं ने क्या नहीं किया है, बंद वक्र नहीं बनाया। इसके अंदर अगर इम्पोर्टेंट देखा जाए तो एक तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएँ आपस में कभी नहीं काटती। एक ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो विद्युत क्षेत्र रेखाएँ हैं वो बंद वक्र नहीं बनाती है। आज तक जो एग्ज़ाम हुए उसमें ज़्यादातर पूछा, दो या तीन ही उपयोग पूछे गए हैं, ज़्यादातर दो पूछे गए हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण लिखिए। तो दो गुणों के अंदर आप ये दोनों याद रख लेना, एक तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी नहीं काटती, दूसरा जो है ये बंद वक्र नहीं बनाती है। ये इसके बाद में अगर आप याद रखना चाहो याद जरूर रखना कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करती है, व्यक्त करती है। वजह ये है कि ये जो है ये सीधा एक नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में काटती है, अगर नहीं काटती तो क्यों नहीं काटती, ठीक है। आपको पूछा जा सकता है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में क्यों नहीं काटती, यहाँ आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि क्या विद्युत क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, तो आप इन्हें जरूर याद रखना। अन्य की अगर बात करें तो जहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएँ पास पास होती है, जहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है वहाँ विद्युत क्षेत्र प्रबल होता है, और जहाँ क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती है वहाँ विद्युत क्षेत्र क्या होता है, दुर्बल होता है। ये भी आप पॉइंट जरूर याद रख लेना कि जहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास पास होती है उस जगह जो विद्युत क्षेत्र होगा वो प्रबल होगा, और जहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होगी वो जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, दुर्बल होगा, ठीक है। तो ये विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कुछ एक गुण हैं। इसके अंदर ये याद रख लेना कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर अगर आप लोग स्पर्श रेखा खींचोगे तो वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। एक ये याद रख लेना कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी नहीं काटती, और ये कि बंद वक्र नहीं बनाती है। ये सामान्य है जो आपको याद रखने चाहिए वैसे तो, कि पास पास हो तो प्रबल होता है, दूर दूर हो तो दुर्बल होता है, धनावेश से हमेशा बाहर निकलती है और ऋणावेश के हमेशा क्या करती है, प्रवेश करती है। पर अगर एग्जाम में आए तो आप इनको प्राथमिकता देना, इनको, ठीक है। तो अन्य की अगर अपनी बात करें तो विद्युत क्षेत्र की अपनी बात कर लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र जो है एक तो होता है एक समान विद्युत क्षेत्र और एक होता है असमान विद्युत क्षेत्र। तो एक तो होता है एक समान विद्युत क्षेत्र और एक होता है असमान विद्युत क्षेत्र। एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब होता है जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है, या विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, एक दूसरे के समांतर है, जहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है, ठीक है, वहाँ विद्युत क्षेत्र किस प्रकार का होता है, एक समान विद्युत क्षेत्र होता है। यानी एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी और विद्युत क्षेत्र जो है उसका मान हमेशा क्या रहेगा, एक समान रहेगा। एक अपने पास में होता है असमान विद्युत क्षेत्र, असमान विद्युत क्षेत्र, ठीक है। एक तो अपने पास में एक समान विद्युत क्षेत्र और दूसरा है अपने पास में असमान विद्युत क्षेत्र। तो असमान विद्युत क्षेत्र का मतलब हो गया कुछ इस प्रकार का क्षेत्र, ठीक है। इस प्रकार का जो क्षेत्र है यहां आप देख सकते हो कि ये जो अपने भाग बना रहे हैं, ये भाग यहाँ क्षेत्र रेखाएं क्या है, पास पास है। तो अगर यहाँ क्षेत्र रेखाएं पास पास है तो ये क्षेत्र किस प्रकार का होगा, प्रबल क्षेत्र होगा, और ये जो क्षेत्र होगा किस प्रकार का होगा, दुर्बल क्षेत्र होगा। तो ये दुर्बल क्षेत्र है और जो ये क्षेत्र है ये किस प्रकार का क्षेत्र है आपके पास में, प्रबल क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ कोई गोला है जिससे ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है, और ये ठोस कोण बोलते हैं अपने इसे, 3D में बना रखा है, ठोस कोण होता है, डेल ओमेगा से अपने से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो
जहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाएं समांतर होती है तो वो तो एक समान विद्युत क्षेत्र हो गया, और जहाँ विद्युत क्षेत्र रेखाओं के मध्य दूरी असमान हो वो किस प्रकार का क्षेत्र होता है, असमान विद्युत क्षेत्र होता है। जैसे देखो यहाँ क्षेत्र रेखाएं पास पास में, तो ये क्षेत्र कैसा है, प्रबल है, और यहाँ क्षेत्र रेखाएं क्या है, दूर दूर है, ये किस प्रकार का क्षेत्र है, दुर्बल क्षेत्र है। ठीक है, तो ये अपने था विद्युत क्षेत्र के प्रकार। अब अपने जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं विद्युत द्विविध ध्रुव के बारे में। तो अपने चैप्टर के अंदर लास्ट पार्ट इसका जो शुरू होता है वो है विद्युत द्विविध ध्रुव, अपने चैप्टर का लास्ट पार्ट वो है विद्युत द्विविध ध्रुव। अपने दो तीन बातें इसकी करेंगे, तो सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं कि विद्युत द्विविध ध्रुव क्या होता है। विद्युत द्विविध ध्रुव का मतलब होता है दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश। जैसे ये दो क्या है आपके पास में, आवेश है, दोनों आवेशों के परिमाण क्या है, समान है, परिमाण क्या है इनके, समान है, और अगर प्रकृति की बात की जाए तो क्या है, विपरीत है। ठीक है, दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश अगर अलग दूरी पर स्थित हो, यानी इनके मध्य जो दूरी अपने लिखेंगे वो क्या होगी, अलग होगी। अगर समान परिमाण विपरीत प्रकृति के आवेश अगर अलग दूरी पर स्थित हो तो आवेशों के इस युग्म को अपने क्या बोलते हैं, आवेशों के इस युग्म को अपने विद्युत द्विविध ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, समान परिमाण विपरीत प्रकृति के आवेश कितनी दूरी पर स्थित है, अलग दूरी पर स्थित है, तो आवेशों के इस युग्म को अपने क्या बोलते हैं, विद्युत द्विविध ध्रुव बोलते हैं। जैसे HCl, तो HCl आपके पास में क्या है, एक विद्युत द्विविध ध्रुव है। ठीक है, अपने द्विविध ध्रुव के बारे में, प्रेरण के बारे में बहुत सारी बातें आने वाले चैप्टर के अंदर करने वाले, पर यहाँ आपको एक नंबर का अगर पूछा जाए कि विद्युत द्विविध ध्रुव किसे कहते हैं, तो आपको इतना याद रखना है कि समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश अगर अलग दूरी पर स्थित हो, तो समान परिमाण जैसे परिमाण दोनों का क्यू है, प्रकृति विपरीत हो, जैसे एक प्लस का है तो दूसरा माइनस का है, और मध्य दूरी क्या हो, बिल्कुल अलग हो। जैसे मध्य दूरी स्मॉल डी से मैंने लिख रखा है, तो स्मॉल डी का मान क्या हो, बिल्कुल अलग हो। स्मॉल डी से या किसी और से भी आप लोग लिख सकते हो, जैसे आपकी बुक की अगर बात की जाए तो इसी दूरी को 2a से लिखा गया है। ठीक है, 2a से भी आप लोग इसे लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो दूरी क्या हो इनके मध्य, अल्प हो। तो इस प्रकार का जो आवेशों का युग्म है उसे अपने क्या बोलते हैं, विद्युत द्विविध ध्रुव बोलते हैं। अब अपने बात कर लेते हैं विद्युत द्विविध ध्रुव आघूर्ण की, विद्युत द्विविध ध्रुव आघूर्ण की। तो अब अपना जो टॉपिक है वो क्या है, वो है विद्युत द्विविध ध्रुव आघूर्ण। तो अब अपने को बात करनी पड़ेगी विद्युत द्विविध ध्रुव आघूर्ण के बारे में। तो देखो विद्युत द्विविध ध्रुव आघूर्ण का मतलब होता है कि अपने जो ये युग्म बनाया है आवेशों का, इनमें से किसी एक आवेश का अपने को क्या लेना है, परिमाण लेना है। जैसे किसी एक आवेश का परिमाण मैंने क्यू ले लिया, और इनके मध्य दूरी को अगर अपने लें तो किसी एक आवेश का परिमाण और उनके मध्य दूरी के गुणनफल को अपने क्या कहते हैं, गुणनफल को अपने कहते हैं विद्युत द्विविध ध्रुव आघूर्ण। ये एक सदिश राशि होती है। ठीक है, किस प्रकार की राशि, एक सदिश राशि है। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, हमें स्मॉल पी से करते हैं, वैसे तो आप लोग पी लिख सकते हो। तो पी इक्वल क्यू इंटू डी, पी वेक्टर लिखा हुआ है और डी भी क्या लिखा हुआ है, वेक्टर लिखा हुआ है। तो एक तरीके की ये जो दूरी है वो विस्थापन आप लोग मान सकते हो। देखो अगर दूरी बिल्कुल अलग हो तो वो क्या लिख सकते हैं, अपने उसे विस्थापन लिख सकते हैं। तो पी वेक्टर इक्वल क्या आएगा, क्यू इंटू डी वेक्टर आएगा। ये अपने पास में क्या है, विद्युत द्विविध ध्रुव आघूर्ण। यहाँ से एक नंबर की परिभाषा बहुत बार पूछी गई है, विद्युत द्विविध ध्रुव की और विद्युत द्विविध ध्रुव आघूर्ण की। ठीक है, अगर द्विविध ध्रुव तो पूछे तो आपको बताना है कि दो समान परिमाण विपरीत प्रकृति के आवेश अलग दूरी पर स्थित हो तो आवेशों के इस युग्म को अपने क्या कहते हैं, विद्युत द्विविध ध्रुव कहते हैं। और अगर बात करें द्विविध ध्रुव आघूर्ण की तो आपको बताना है दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण और उनके मध्य की दूरी के गुणनफल को अपने क्या कहते हैं, विद्युत द्विविध ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अगर दिशा की बात की जाए तो ये किस प्रकार की राशि है, दिशा की अगर बात की जाए तो ये सदिश राशि है। किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, तो आप लोग ये भी लिख सकते हो कि ये किस प्रकार की राशि है, सदिश राशि है। दिशा का आपको जरूर ध्यान रखना है, इसकी दिशा जो होती है वो माइनस से प्लस की ओर होती है। ठीक है, इसकी दिशा जो किस ओर होती है, माइनस से
प्लस की ओर होती है। आपको पता होगा विद्युत क्षेत्र की अगर अपने बात कर रहे थे, विद्युत क्षेत्र को अपने लिख रहे थे धनावेश से बाहर निकलता है और ऋणावेश के अंदर प्रवेश करता है, यानी प्लस से माइनस की ओर अपने उसे दर्शा रहे थे। पर इसकी अगर दिशा की बात की जाए तो इसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है, ठीक है। तो ये दिशा जरूर याद रख लेना कि विद्युत द्विध्रुव ध्रुव आघूर्ण की दिशा किस ओर होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। अगर मात्रक की बात की जाए कि इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक, तो मात्रक में आप लोग देख सकते हो ये क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक कूलम्ब, ये क्या है दूरी, तो इसका मात्रक आ गया कूलम्ब इंटू मीटर। मात्रक क्या आ गया, कूलम्ब इंटू मीटर। किसका मात्रक है ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। इसी मात्रक को क्या लिखा जाता है, इसी मात्रक को लिखा जाता है डीवाई। आपको ये जरूर याद रखना है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, डीवाई होता है, ठीक है। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है, यहाँ देखो आपने लिखा हुआ है कूलम्ब इंटू मीटर, ठीक है। इस सी को थोड़ा बड़ा लिख देना जिससे ये कूलम्ब लगे, सेंटीमीटर ना लगे। तो ये क्या है, कूलम्ब इंटू मीटर, किसका मात्रक है ये, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। और उस कूलम्ब इंटू मीटर को आप लोग क्या लिख सकते हो, डीवाई लिख सकते हो। विमा भी आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ से इसकी ज्ञात कर सकते हो। अगर इसकी विमा आपको ज्ञात करनी हो, ये देखो यहाँ पर कूलम्ब लिखा हुआ है और यहाँ पर मीटर लिखा हुआ है। आपको पता है कि आई को अपने क्या लिखा था, क्यू अपॉन टी लिखा था, तो क्यू इक्वल आई इंटू टी, मतलब इसका जो मात्रक लिखोगे एम्पियर और इसका समय तो एम्पियर इंटू सेकेंड। अब देखो यहाँ की अगर बात करोगे आप लोग तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ तो एक तो ये आएगा एम्पियर इंटू सेकेंड, और कौन आएगा, और आपके पास में मीटर आएगा, ठीक है। तो मीटर समय सेकेंड और ये आपके पास में धारा एम्पियर है। तो अब जब आप लोग इसे इसकी विमा लिखोगे तो आप लोग लिखोगे एम एल टी ए। एम की पावर की अगर बात करें तो द्रव्यमान कितनी बार काम में आए, जीरो बार काम में आए। देखना ये जो लिखा गया है ये मीटर है, ये क्या है, मीटर है, ठीक है। एल कितनी बार काम में आए, मीटर के रूप में एक बार काम में आए। समय कितनी बार काम में आए, समय एक बार काम में आए। अगर विद्युत धारा की बात की जाए तो विद्युत धारा भी कितनी बार काम में आई है, एक बार काम में आई है, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो मात्रक हो जाता है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है एम जीरो एल वन टी वन और ए वन। ये किसका मात्रक है आपके पास में, ये विमा है, ये विमा है और ये मात्रक है। तो मात्रक तो आपके पास में हो गया कूलम्ब इंटू मीटर जिसे अपने बोलते हैं डीवाई, और विमा जब लिखेंगे तो एम जीरो एल वन टी वन और ए वन, ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा है, ठीक है। अब अपने जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं दो अलग अलग टॉपिकों की। एक तो अपने बात करेंगे कि विद्युत द्विध्रुव जो अपने रखा है उसकी वजह से अक्ष प्रतिवर्ता, और उसके बाद अपने बात करेंगे निरक्ष प्रतिवर्ता की, और उसके बाद सिर्फ एक टॉपिक बचेगा और अपना चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखो अब अपने बात करने वाले हैं सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर स्थित किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका अपने को क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो अपने पास में एक द्विध्रुव है और इस द्विध्रुव के अक्ष पर किसी बिंदु पर अपने को क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। देखो अपने सबसे पहले क्या करेंगे, एक द्विध्रुव बनाएंगे, ये अपना पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। मान लेते हैं पॉइंट ए पर माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है और बी पर प्लस क्यू आवेश जो है वो रखा हुआ है। आपको आपको यहाँ एक तो ये ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं है आप माइनस क्यू पहले लो प्लस क्यू बाद में लो, आपकी मर्जी है। अगर आप इसे उल्टा लेना चाहो यानी इस तरफ प्लस क्यू और इस तरफ अगर आप माइनस क्यू लेना चाहो तो वो भी बिल्कुल सही रहेगा। इन दोनों के मध्य जो दूरी है वो मान लेते हैं कितनी है, स्मॉल डी है। ए और बी जो अपने पॉइंट है इनके मध्य दूरी कितनी है, स्मॉल डी है। स्मॉल डी की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, 2a ले सकते हो, 2d ले सकते हो, वह आपकी मर्जी है कि इन दोनों के मध्य दूरी आप क्या लो। पर यह जरूर ध्यान रखना कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जब लिखने लगो तो आवेश और उनके मध्य दूरी का गुणनफल करना है। उनके मध्य दूरी अगर d ली है तो d से मल्टीप्लाई कर देना, 2a ली है तो 2a से मल्टीप्लाई कर लेना,
2d लिए तो 2d से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। अब अपने ये इसका केंद्र मान लेते हैं O, इस O से स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट P रखा हुआ है जिस पर आपको क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। आपको क्या करना है, एक द्विध्रुव लेना है A और B, एक तरफ रख देना है माइनस क्यू, एक तरफ रख देना है प्लस क्यू, इसका केंद्र O हो गया, इन दोनों के मध्य दूरी स्मॉल d है और O से स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट P है जिस पर आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये देखो सबसे पहले इस तरफ क्या रखा हुआ है, इस तरफ रखा हुआ है प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश की वजह से अगर आप लोग दिशा देखो तो दिशा क्या आएगी, ई वैक्टर प्लस क्यू आएगी, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है कि धनावेश के कारण हमेशा दिशा कहाँ आती है, बाहर की ओर आती है। बाहर की ओर किस ओर आएगी, बाहर की ओर उस ओर आएगी जिस ओर आपका परीक्षण आवेश रखा हुआ है, ठीक है। अगर ये परीक्षण आवेश यहाँ रखा हुआ है तो इस ओर आ जाएगी, अगर ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी रखा होता तो धनावेश से हमेशा बाहर की ओर आपको क्या करनी है, दिशा लेनी है जिस ओर आपको तीव्रता ज्ञात करनी है। तो तीव्रता आपको कहाँ ज्ञात करनी है, पॉइंट पी पर ज्ञात करनी है, तो प्लस क्यू से दूर की ओर किस ओर जिस तरफ अपना पॉइंट पी रखा हुआ है, तो ई वेक्टर प्लस क्यू ये क्या आ जाएगी, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा आ जाएगी। ये देखो ये अपने पास में लिखा हुआ है माइनस क्यू, माइनस क्यू की वजह से अगर आप लोग दिशा निकालो तो ये क्या आएगी, ई वेक्टर माइनस का क्यू, ठीक है। तो पॉइंट पी पर इसकी जो दिशा आएगी वो क्या आएगी, ई वेक्टर माइनस का क्यू आएगी, यानी इसकी दिशा इसके विपरीत आएगी। क्यों आएगी, मैंने आपको ऋणावेश की वजह से बताया था कि ऋणावेश की वजह से जो दिशा आती है वो हमेशा कहाँ आती है, अंदर की ओर आती है। तो ये आपके पास में ऋणावेश है, इसकी वजह से जो दिशा आएगी वो अंदर की ओर आएगी। अंदर की ओर कहाँ से, किस ओर आएगी, जिस ओर आपका परीक्षण आवेश रखा है, इस ओर आप लोगों ने परीक्षण आवेश रखा है तो इससे इस ओर क्या आएगी, इसकी दिशा आएगी। परीक्षण आवेश से जो आपका पॉइंट है माइनस वाला उसकी ओर आएगी और इससे प्लस क्यू आवेश की वजह से दूर की ओर आएगी जिस ओर आपका परीक्षण आवेश रखा हुआ है। तो ये ई वेक्टर प्लस क्यू की दिशा है और ये ई वेक्टर माइनस क्यू की दिशा है, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं सबसे पहले ई वेक्टर प्लस क्यू की, कि ई वेक्टर प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी। एक तो आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, आपको पता है एफ इक्वल अपने क्या लिखते हैं, के क्यू क्यू जीरो अपॉन आर स्क्वेयर लिखते हैं, ई इक्वल अपने क्या लिखते हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर लिखते हैं। ये अपने पास में क्या है, फॉर्मूले है, ठीक है। अगर आपको इन फॉर्मूलों का पता है तो आप आराम से इसे सोल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो आपको क्या लिखना है, ई वेक्टर प्लस क्यू लिखना है। अब आप क्या करोगे, के लिखोगे, उसके बाद में के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर अपने करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, आर क्या होता है, आर प्लस क्यू आवेश से जिस पॉइंट पर तीव्रता ज्ञात करते हैं वो होता है। तो प्लस क्यू आवेश अपना इस जगह रखा हुआ है और वो पॉइंट क्या है आपका, पी है। आज वो दूरी आर तो नहीं है, उस दूरी को अपने को ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये दूरी अपनी स्मॉल आर है तो स्मॉल आर में से आपको ये दूरी जो है वो घटानी पड़ेगी। ये दूरी कितनी है, डी बाई टू, और ये दूरी भी कितनी है, डी बाई टू है। तो दोनों जो दूरियाँ हैं वो कितनी है, डी बाई टू और डी बाई टू है। तो ये आएगी आर माइनस डी बाई टू की होल स्क्वेयर, ठीक है। तो के क्यू अपॉन आर माइनस डी बाई टू की होल स्क्वेयर। और अगर इसकी दिशा की बात करें तो इसकी दिशा जो है वो किस ओर आएगी, प्लस पी के की ओर इसकी दिशा आएगी, यानी इसकी जो दिशा है वो बी से पी की ओर आएगी, बी पी की दिशा में, बी पी की दिशा में, ठीक है। ये इसकी क्या आ गई, दिशा आ गई। अगर कोई समीकरण नंबर देना चाहो इसे लगा लेंगे। अब देखो ये जो आपने लिख रखा है प्लस पी के, ये किसकी दिशा है, ये वो दिशा है जिस ओर अपने क्या है, जो द्विध्रुव आघूर्ण ले रखा है उसकी दिशा है। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा देखो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है, यानी द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा जो है वो किस ओर है, इस ओर है, यानी बी से पी की ओर है। तो इसे मैंने क्या लिख दिया, प्लस का पी केप लिख दिया, ठीक है। ये प्लस पी केप जो है वो एकांक सदिश है, किसकी दिशा में, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में, ठीक है। आप लोग ये बात लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो कि यहाँ पी केप जो है वो क्या है, एकांक सदिश है, और किसकी दिशा में है, ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में। पूरी बात लिख सकते हो, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में पी केप क्या है, एक एकांक सदिश है। अब देखो अब अपने लिखेंगे ई वेक्टर माइनस का क्यू, और क्या आएगा, के क्यू अपॉन आर, दूरी देखनी पड़ेगी आपको ए से लेकर के पी तक की। तो ये जो दूरी अपनी स्मॉल आर है और ये जो दूरी अपनी कितनी है, डी बाई टू है। तो ये आएगा
आर प्लस डी बाई टू की होल स्क्वायर, और जो दिशा आएगी वो क्या आएगी, माइनस का पी कैप आएगा, यानी इसकी जो दिशा आएगी वो क्या आएगी, माइनस की पी कैप आएगी। क्यों आएगी माइनस की पी कैप, कि प्लस की पी क्यूब की दिशा इस तरफ है और तो माइनस की इसके विपरीत होगी, तो ये क्या आ जाएगी, इसकी दिशा आ जाएगी। आप देख सकते हो इसकी दिशा और इसकी दिशा दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, तो ये माइनस विपरीत दिशा को दर्शा रहा है, ठीक है। और आगे आप लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो पी से ए की ओर, पी ए की दिशा में, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या है, दोनों का मान है। अब देखो आप परिणामी ज्ञात करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा ई वेक्टर इक्वल ई प्लस क्यू और प्लस का ई माइनस क्यू, यानी आपको क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। जब आप दोनों को जोड़ोगे तो ये मान जो है इसके अंदर रख दो, ये आपका क्या जाएगा, ये ई वेक्टर अक्स आ जाएगा, ई वेक्टर अक्स। तो आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे ई वेक्टर इक्वल के क्यू अपॉन, या मान देखो आर माइनस डी बाई टू की होल स्क्वायर, और साथ में क्या है, प्लस का पी के और माइनस का क्या आएगा, माइनस का के क्यू और आर प्लस डी बाई टू इसकी होल स्क्वायर और साथ में पी के आ जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ लिखना चाहो तो यहाँ प्लस कर देना और यहाँ क्या लिख दोगे, माइनस लिख दोगे। फिर नई लाइन में क्या करोगे, आप लोग लिख दोगे ई एक्स इक्वल के क्यू और आर माइनस डी बाई टू की स्क्वेयर, और फिर ये जो है यहाँ क्या लगा दोगे, माइनस लगा दोगे, ये प्लस का पी के पास जाएगा और इस जगह के क्यू और यहाँ भी क्या आ जाएगा, पी के पास जाएगा, क्योंकि अपने जो ये माइनस था इसे पहले लिख दिया, तो आपके पास में आ जाएगा के क्यू आर माइनस डी के होल स्क्वेयर पी के माइनस के क्यू पी के और आर प्लस डी बाई टू और इसकी होल स्क्वेयर। अब अपने को क्या करना है, अपने को लिखना है ई वेक्टर एक्स के क्यू जो है वो कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा वन अपॉन आर माइनस डी बाई टू की होल स्क्वेयर और माइनस वन अपॉन आर प्लस डी बाई टू की होल स्क्वेयर, और बाहर जो है अपने क्या लिख देंगे, पी के लिख देंगे, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, अपने लिखेंगे ई वेक्टर एक्स और यहाँ के क्यू, ये देखो अपने एलसीएम आएगा आर माइनस डी बाई टू की होल स्क्वायर और इस तरफ आर प्लस डी बाई टू की होल स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, आर प्लस डी बाई टू की होल स्क्वायर और माइनस आर माइनस डी बाई टू की होल स्क्वायर, ये प्लस से कैंसिल हो जाएगा और माइनस वाला मान यहाँ पर बच जाएगा, और साथ में क्या लिखा हुआ है, पी कैप लिखा हुआ है। अब देखो अपने लिखेंगे ई वेक्टर अक्स और यहाँ के क्यू, इसे जब आप सोल्व करोगे, ये देखो यहाँ बनेगा आर स्क्वेयर और यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा डी स्क्वेयर अपॉन फोर। देखो एक बार के लिए इस जगह सोल्व कर देता हूँ इसे, ये बनने वाला है आर स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर अपॉन फोर प्लस, अपने क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे टू आर और डी वाई टू, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फिर माइनस में जो टर्म आएगी वो क्या आएगी, माइनस का आर स्क्वेयर माइनस का डी स्क्वेयर अपॉन फोर और प्लस का फिर से क्या आएगा, आर डी आएगा, तो ये टर्म आपकी यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, ये आर डी और आर डी दोनों जुड़ करके कितना बन जाएगा, टू आर डी बन जाएगा, ठीक है। तो ऊपर जो आपके पास में टर्म बचेगी वो बचेगी टू आर डी अपॉन, ये देखो इसे लिख सकते हो आर स्क्वेयर माइनस डी स्क्वेयर अपॉन फोर और इसकी पावर दो, और साथ में क्या आएगा, पी के पाएगा। देखो अपने जब डायग्राम बनाना शुरू किया था तो यहाँ आपने लिखा था डी, ठीक है, और जब इसकी परिभाषा लिख रहे थे तो डी का मतलब था अल्प दूरी। अब अपने डी का अगर आधा कर दें तो डी बाई टू अल्प दूरी है, और उसका भी और आधा कर दें तो डी स्क्वेयर अपॉन फोर, आर स्क्वेयर की तुलना में डी स्क्वेयर अपॉन फोर क्या हो जाता है, बिल्कुल नगण्य हो जाता है। तो अपने लिख देंगे आर स्क्वेयर की तुलना में डी स्क्वेयर अपॉन फोर को नगण्य मानने पर, अगर अपने इसे नगण्य मान लेंगे यहाँ से अपने इसे क्या कर देंगे, छोड़ देंगे और आर की पावर कितनी लिख देंगे, चार लिख देंगे, ये बनेगा ई वेक्टर एक्स इक्वल के क्यू और ये टू आर डी और आर की पावर चार और साथ में पी के,
ठीक है। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, आर की पावर 3, तो इसे लिख सकते हो आप लोग ई वेक्टर एक्स इक्वल 2 को पहले लिख देता हूँ, 2 के क्यू इंटू डी अपॉन आर क्यूब, और यहाँ क्या लिखा हुआ है पी कैप लिखा हुआ है, क्यू इंटू डी। बिल्कुल शुरुआत में अपने बात की थी द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो ई वेक्टर एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 के पी कैप और आर की पावर।